तालझारी पुलिस ने शराब मामले में सफलता प्राप्त करते हुए सोमवार की रात तालझारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर नया टोला के घर से 80 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। वहीं मामले की जानकारी तालझारी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की रात को तालझारी थाना प्रभारी कैलाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर महाराजपुर नया टोला स्थित एक घर पर एसआई राकेश कुमार, बनारसी राम सहित अन्य पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इसी दौरान छापेमारी में 80 बोतल विभिन्न ब्रांड के इंग्लिश शराब बरामद किए गए, जिसके बाद मामले को लेकर तालझारी में मद्य निषेध के तहत कांड दर्ज करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जाएगा। 3/7/2021 को थाना प्रभारी तालझारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नया टोला महाराजपुर तालझारी के अंतर्गत गुज्जी मुस्मात के घर में अवैध शराब बेची जा रही है। सूचना का सत्यापन में थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बल के साथ अन्य पदाधिकारियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां गुज्जी मुस्मात के घर से छापामारी के दौरान विभिन्न ब्रांड के करीब 80 बोतल अवैध शराब प्राप्त हुआ, इंग्लिश शराब प्राप्त किया गया है। इस संबंध में गुज्जी मुस्मात को नामजद अभियुक्त बनाते हुए तालझारी थाना कांड संख्या 95/21, धारा 272, 273, 290 एवं ITC एवं 47 एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। छापामारी के दरमियान गुज्जी मुस्मात पुलिस को देखकर मौके से फरार पाई गई, उसकी गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज लाइव, तालझारी।